ये जो व्यक्ति है ये एक कांग्रेस सपोर्टर है, ये कह रहा है कि तुम लोग दूसरे के प्लेट में झांकते हो कि कौन क्या खा रहा है और उनके खाने पर रोक लगाते हो, और अब तुम लोगों ने भी बीफ फैट वाले घी के लड्डू खा लिए। कैसा लगा, मजा आया? हमारे देश भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत और साउदर्न पार्ट ऑफ भारत को कंपेयर करोगे तो साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में ज़्यादा मंदिर आपको मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत में मुस्लिम रूलर्स ने मंदिरों को तोड़ने और उसको मस्जिद में कन्वर्ट करने पे बहुत फोकस किया था, लेकिन साउदर्न पार्ट ऑफ भारत में उस लेवल पे चीज़ें नहीं हुई थी। प्लस मराठा साम्राज्य ने मंदिरों को प्रोटेक्ट किया और तोड़े गए मंदिरों में से वापस बहुत सारे मंदिरों को रिबिल्ड किया था। तिरुपति का बालाजी मंदिर उन कुछ मंदिरों में से है जिसे हमारे एंसेस्टर्स ने किसी तरह बचा कर रखा था, क्योंकि हमारे मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं होते हैं, ये एजुकेशन और कल्चर का सेंटर पॉइंट भी है। हमारे एंसेस्टर्स ने इसे बचाया था कि आने वाली पीढ़ी तक ये मंदिर हमें रास्ता दिखाता रहे। आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में सबसे बड़ा भंडारा चलता है, जहां लोगों को खाना खिलाया जाता है जिसकी संख्या 2 लाख से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन लड्डू के अंदर गाय के चर्बी का तेल, सुअर के चर्बी का तेल होने की जो न्यूज है, उसके बाद से मन एकदम विचलित हो चुका है। मैं बहुत टाइम तक तो यही सोच रहा था कि भाई ये जो न्यूज है वो फेक न्यूज निकल जाए, लेकिन लैब रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो गया। YSRCP की गवर्नमेंट जो कि TTD को हैंडल कर रहे थे, उनके दौरान बेकार क्वालिटी का घी का इस्तेमाल हुआ, जिसके कारण हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। YSRCP वाले तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग टाइम टू टाइम घी का क्वालिटी चेक करते रहते थे। लेकिन अभी जो TTD के हेड है, जो तिरुपति बालाजी के मंदिर के मैनेजमेंट को संभालते हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, YSRCP की गवर्नमेंट के दौरान घी की क्वालिटी की चेक होती ही नहीं थी, और इसी बात का फायदा घी के वेंडर्स उठा रहे थे। आप सोचकर देखो कि तिरुपति बालाजी का मंदिर सबसे अमीर मंदिर है, जहां से करोड़ों रुपए YSRCP की गवर्नमेंट टैक्स के रूप में लेती थी। और आप लोगों को क्या लगता है, ये जो पैसा लिया जाता था एज अ टैक्स के रूप में, उसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? मंदिर पे तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा, और ये कोई भी छुपी हुई बात नहीं है। अगर आप YSRCP की गवर्नमेंट के दौरान तोड़े गए मंदिरों के डिटेल्स निकालोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। पवन कल्याण ने बताया था कि YSRCP के गवर्नमेंट के दौरान टोटल 219 मंदिर तोड़े गए थे, और इसके साथ साथ इनकी गवर्नमेंट के दौरान जो क्रिश्चियन कन्वर्जन था वो भी पीक पे था। आपको खुद गूगल मैप में सर्च करके देखना चाहिए, तिरुपति बालाजी मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारे चर्चेस दिख जाएंगे। आप कभी ट्रेन से जाइएगा तो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरते टाइम आपको चर्चेस ही चर्चेस दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ हिंदू मंदिरों से करोड़ में पैसा लेना, लेकिन मस्जिदों और चर्चों से 1 रुपया भी नहीं लेना, और फिर मंदिरों में वो पैसा वापस भी नहीं जाएगा, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? आपको भी पता है कि फैक्ट्स किस तरफ इशारे कर रहे हैं। मैं आपको कई ऐसे इंसिडेंट्स गिना सकता हूं जिसमें हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है YSRCP के गवर्नमेंट के दौरान। हमने खुद कई बार कैंपेन चलाया है कि हिंदू मंदिरों को फ्री करो, ट्विटर ट्रेंड चलाए हैं कि फ्री आंध्रा टेम्पल्स। ये जो घी के अंदर गाय के चर्बी के तेल के होने का मामला सामने आया है, उसके बाद से अभी तक TDP की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगा और पता लगाएगा कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जिन जिन लोगों ने हमारे भगवान के मंदिर में ये घटिया घी सप्लाई किया है और करप्शन किया है, इन सबको छोड़ा नहीं जाएगा, इन सभी लोगों को एक एक करके खींच कर बाहर निकाला जाएगा। इनके जो सपोर्टर्स है वो हम हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ये एक कांग्रेस सपोर्टर है, ये कह रहा है कि तुम लोग दूसरे के प्लेट में झांकते हो कि कौन क्या खा रहा है और उनके खाने पर रोक लगाते हो, और अब तुम लोगों ने भी बीफ फैट वाले घी के लड्डू खा लिए। कैसा लगा, मजा आया? ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इनके आइडियोलॉजी वाले हैं, जो हिंदुओं का मजाक बना रहे हैं। इन लोगों ने इस मामले में अमूल ब्रांड को भी घसीटने की कोशिश की, ताकि अमूल की बेइज्जती हो और उसका भी मार्केट शेयर गिर जाए, लेकिन अमूल ने इस बार इनको नहीं छोड़ा। अमूल ने साइबर कंप्लेन करके तुरंत इनको ठिकाने लगाया। अभी हमारे तिरुपति बालाजी के मंदिर का शुद्धिकरण होगा, और पवन कल्याण ने 11 दिनों का फास्ट रखा है, ये कहते हुए कि मैं भगवान से माफी मांगना चाहता हूं कि हम लोग इस अनर्थ को पहले नहीं रोक पाए। अब जब ये लड्डू का मैटर हुआ था तो उस समय पे CM थे जगन मोहन रेड्डी, और इनकी भी जवाबदेही बनती है कि आखिर उस समय पे तिरुपति बालाजी के अंदर ये सब क्यों हो रहा था, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिसाइज होने लगा था, तो जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मैं भी तिरुपति बालाजी मंदिर में जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जगन मोहन रेड्डी है वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ है, और जगन मोहन रेड्डी तिरुपति बालाजी जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपना तिरुपति बालाजी जाने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो बालाजी का मंदिर है वहाँ जाने से पहले जो नॉन हिंदूज होते हैं उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वो उनका जो रिलीजन है वो आखिर है क्या। और जो BJP के मिनिस्टर्स हैं और बाकी जो अलायंस के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा था कि जगन मोहन रेड्डी को पब्लिकली ये जो फेथ का डिक्लेरेशन है उसको साइन करना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति बालाजी जाने का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में भी ये मुद्दा उठाया था और आज भी ये मुद्दा उठाऊंगा कि जब दूसरे रिलीजन में उनके रिलीजन के अलावा और कोई इम्प्लॉयड नहीं होता है, तो फिर हमारे मंदिरों में क्रिश्चियंस क्यों?
YSRCP की गवर्नमेंट के दौरान कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को मंदिरों में काम पे लगाया गया था, जो चप्पल पहनकर मंदिर में घूमते थे। पहले मुस्लिम रूलर्स मंदिर तोड़ते थे, मस्जिद बनाते थे, फिर क्रिश्चियंस आए, उन्होंने गरीब लोगों को लालच देके उन्हें कन्वर्ट किया और उनको हमारे ही कल्चर के खिलाफ किया और चर्चेस भी बनाते गए। तो उस टाइम में और YSRCP की इस गवर्नमेंट में क्या आपको कोई सिमिलैरिटीज नजर आ रही है? मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे आवाज उठाइए, लोगों को बताइए, लोगों से बात करिए। मैं आप लोगों से कोई एक घंटा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूं। सबको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है तिरुपति बालाजी के मंदिर में। अगर आप ये सोचकर इग्नोर कर देंगे कि मेरे एक एक कर जाने से क्या हो जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ये सोचिए कि आप सबने एक एक करके ही इस चैनल को 3.6 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया। ऐसे ही एक एक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना फिर ये मुद्दा शांत हो जाएगा और फिर किसी मंदिर में ऐसा ही होगा। आवाज नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को स्टोरी पे डालो, शेयर करो, ताकि लोग इसको देखे और जाने। अब अपने पर्सनल कैपेसिटी में सिर्फ एक व्यक्ति को ये वीडियो दिखाओ, उनको बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। अगर आप एक व्यक्ति तक भी ये नॉलेज पहुंचाते हो, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। आई होप कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं अपने बालाजी के लिए और अपने धर्म के लिए। नमस्कार।